नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बाबर के बारे में। बाबर का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को हुआ था। फिर हम लोग बात करेंगे कहां पर हुआ था, वो स्थान कौन सा था। तो बाबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था फरगना में, मतलब कहाँ का शासक बनेगा ये बाद में, फरगना का शासक बनेगा। फिर हम लोग बात करते हैं इसके पिता के नाम की, फिर माता का नाम पढ़ेंगे। तो पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, मतलब क्या था इसके पिता का नाम, उमर शेख मिर्जा। वहीं माता के नाम की बात करते हैं तो माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। क्या नाम था इनके माता का नाम? कुतलुग निगार खानम। फिर हम लोग बात करते हैं कि बाबर के चार बेटे थे, कितने बेटे थे? चार बेटे थे। सबसे बड़ा जो बेटा था वो था हुमायूं, हुमायूं के बाद था कामरान, उसके बाद आया अस्करी। फिर हम लोग बात करते हैं हिंदाल, मतलब बाबर का सबसे बड़ा बेटा कौन था? हुमायूं, फिर कामरान, फिर अस्करी और बाद में हिंदाल। फिर इसके बाद में हम बाबर के जीवन में महत्वपूर्ण लड़े गए युद्धों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बाबर ने अपने अपने जीवन में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं जिसकी वजह से बाबर को मुगल शासक का या मुगल एम्पायर का जन्मदाता कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि 1526 के अंदर क्या होता है, युद्ध होता है उसको कहते हैं पानीपत का पहला युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का पहला युद्ध। किसके बीच में होगा ये? एक तरफ लड़ेगा बाबर और दूसरी तरफ लड़ेगा इब्राहिम लोदी। अपोजिट कौन होगा? इब्राहिम लोदी। यहाँ बाबर जीत जाएगा और इब्राहिम लोदी हार जाएगा। वही हम लोग 1527 की हम लोग बात करते हैं तो 1527 में युद्ध था खानवा का युद्ध। ये जो खानवा का युद्ध है वो भी बाबर के बीच में होगा और सामने कौन होगा? यहाँ पर होगा राजस्थान का सबसे फेमस राजा। क्या नाम होगा? राणा सांगा। इसे सैनिकों का भग्नावशेष भी कहते हैं। उसके बाद में 1528 में एक और युद्ध होने वाला है, उसको हम कहते हैं चंदेरी का युद्ध। कौन सा युद्ध? चंदेरी का युद्ध। ये युद्ध होने वाला है बाबर के बीच में और मैदनी राय के बीच में। मैदनी राय के बीच में, यहां मैदनी राय होता क्या है कि राणा सांगा का ही सहयोगी होता है और राणा सांगा की मौत के बाद में होता क्या है कि बाबर सोचता है कि मुझे मैदनी राय को पराजित करना चाहिए। इसके बाद में 1529 में एक और युद्ध होगा, उसको कहते हैं घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध। ये युद्ध किसके बीच में होने वाला है? ये युद्ध होने वाला है बाबर के बीच में और अफगानों के बीच में। यहां अफगान हार जाएंगे और जीतेगा कौन? बाबर। चार युद्धों में विजय हासिल करने के बाद, चारों युद्धों में विजय हासिल करने के बाद में, विजेता होने के बाद में 1530 में होता क्या है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती? हो जाती है बाबर की मृत्यु। और बाबर को मरने के बाद में सबसे पहले दफनाया गया आगरा में और कुछ समय बाद में उसको आगरा से निकालकर कहाँ दफनाया गया? काबुल में दफनाया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।